हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखना है वो है कि डिवाइड करने से पहले दोनों पॉलिनोमियल को हमें उसके पावर के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स टू द पावर फोर प्लस फाइव इस तरीके से दिया हुआ हो तो इसे हम लोग उसके पावर के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे पहले उस टर्म को लिखेंगे जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो, तो सबसे पहले 3x टू द पावर 4 लिखेंगे, उसके बाद 5x क्यूब लिखेंगे, उसके बाद x स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद 5 लिखेंगे। ठीक, तो क्या करना है, अरेंज द गिवन पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। ओके, अब देखिए दूसरी बात जो हमें याद है, हमेशा ध्यान में रखना है, वो है कि अगर कोई मिसिंग टर्म है पॉलिनोमियल में तो उस मिसिंग टर्म को हमें जीरो से मल्टीप्लाई करके और लिख देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर फोर है, पावर थ्री है, पावर टू है, लेकिन पावर वन वाला टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, पावर वन वाला टर्म मिसिंग है, तो उससे हमें क्या करेंगे, उसे हम जीरो से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। मतलब हम यहाँ प्लस फाइव लिखने से पहले इसको प्लस जीरो एक्स लिख करके और उसके बाद प्लस फाइव लिखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड थिंग क्या याद रखना है कि इफ एनी टर्म इज मिसिंग इन द पॉलिनोमियल देन राइट द टर्म मल्टीप्लाइंग विथ जीरो। ठीक है, अब देखिए तीसरा बात क्या याद रखना है, तो कब तक डिवाइड करना है, कब तक डिवाइड करते जाएंगे, तो डिवाइड तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर का डिग्री जो है वो डिवाइजर के डिग्री से कम ना हो जाए। अब रिमाइंडर का डिग्री जैसे ही डिवाइजर के डिग्री से कम हुआ हमें वहाँ पे रुक जाना है, उसके आगे हमें डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, जब तक रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से बड़ा है या फिर बराबर है तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। ठीक है, तो तीसरा बात क्या याद रखना है कि कीप डिवाइडिंग टिल द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। ओके, तो ये तीन बातें हमें याद रखना है, उसके बाद ही हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कैसे डिवाइड करना है। ओके, तो चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं पहले। तो हमें डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को 2x प्लस 1 से। ठीक है, तो अब देखिए कैसे डिवाइड करना है, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर में लिखा हुआ है, ये भी ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हमें देखना है, सबसे पहला चीज यहाँ पे डिवाइड करते वक्त तो हमेशा फर्स्ट टर्म को देखना है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म को देखना है और हमेशा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड करना है। सो 2x स्क्वायर बाई 2x क्या मिलेगा हमें, x, तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं उससे हमें डिवाइजर कंप्लीट डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x, तो हमेशा x वाले टर्म के सामने ही लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x माइनस x कितना मिलेगा 3x और प्लस 1। ठीक है, अब फिर से हमें फर्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म करना है, तो 3x बाय 2x क्या मिलेगा हमें, 3x बाय 2x, सो x x कैंसिल, सो 3 बाय 2 मिला, सो प्लस 3 बाय 2। अब 3 बाय 2 से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 बाय 2 इंटू 2x इज हाउ मच 3x एंड 3 बाय 2 इंटू 1 इज हाउ मच 3 बाय 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर दीजिए, सो 3x और माइनस 3x कैंसिल हो गया, 1 माइनस 3 बाय 2, सो 1 माइनस हाउ मच यू आर गेटिंग 1 माइनस 3 बाय 2, सो 1 माइनस 3 बाय 2 इज हाउ मच माइनस 1 बाय 2। सो ये आपका हो गया रिमाइंडर,
ये हो गया आपका कोशेंट और ये डिवाइजर और डिविडेंड आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस फोर को हमें एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए ये तो पावर के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बट ये डिविडेंड जो है वो पावर के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे एक्स टर्म मिसिंग भी है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स टर्म मिसिंग है तो चलिए इसको जीरो एक्स लिख देंगे और फिर आ जाएगा माइनस फोर। अब इसको हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस थ्री से, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सो एक्स क्यू बाई एक्स इज हाउ मच, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू माइनस थ्री इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस फोर। अगेन फर्स्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, अभी भी डिग्री इसका बड़ा है, तो फर्स्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सो एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज हाउ मच, एक्स, सो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू माइनस थ्री इज माइनस थ्री एक्स, ठीक है। आप साइन चेंज कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल्ड। नाउ जीरो एक्स प्लस थ्री एक्स, तो थ्री एक्स एंड माइनस फोर। अभी भी इसका डिग्री जो है इसके डिग्री के बराबर है, तो अभी एक बार और डिवाइड होगा, सो थ्री एक्स बाई एक्स इज हाउ मच, थ्री, सो प्लस थ्री। अब थ्री इंटू एक्स इज थ्री एक्स एंड थ्री इंटू माइनस थ्री इज माइनस नाइन। साइन चेंज कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, सो थ्री ए एंड माइनस थ्री एक्स कैंसिल्ड। माइनस फोर प्लस नाइन इज हाउ मच, प्लस फाइव। सो ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपका कोशेंट। इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कोई आपका एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।